और मेरा फेवरेट आयल घोड़े। अच्छा माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा फार्म हाउस और घोड़े नाल नाल तुसा गड़ियां बड़ियां बड़ियां एंटीक रखियां, अल्लाह ताला नसीब करे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो विलेज एरिया टीवी और मैं तुहाडा खादम मियां ज़ुल्फ़िकार अली। नाज़रीन तुसी जानदे हो कि असीं अपने इलाके दे सोहणे सोहणे डेरे और डेरेदारी दे निज़ाम दे मुतल्लक वीडियो लै के तुहाडी खिदमत विच हाज़र हुंदे रहिंदे आं। अज्ज असीं ज़िला चनियोट तहसील लालियां दे बहुत ही खूबसूरत पिंड वल्ला दे विच मौजूद मार फैसल यात लाली साहब दा फार्म हाउस विखावांगे, उहनां दे घोड़े विखावांगे और उहनां दे बाकी शौक सारे विजिट करावांगे। अस्सलाम वालेकुम जी मार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम भाई ज़ुल्फ़िकार। सेहत भी चंगी ठीक है जी? अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है जी, तुसी अपनी सुनाओ, सेहत मिजाज ठीक है जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहले तो बड़ी मेहरबानी तुहाडी, बड़ी मसरूफियत आई, बड़ा तुसा मेहरबानी कीती, टाइम दित्ता जी, बहुत शुक्रिया तुहाडा। ए तुहाडी मेहरबानी है जनाब, तुसा इतना दूर तो टाइम कढ के तशरीफ लै आए हो, साडे वास्ते तुसा टाइम कढ़िया, तुहाडी मेहरबानी है जी, ताबेदार जी, बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह जी मार साहब, बहुत मजा आया जी, तुहाडा सारा सैटअप बहुत सोहणा है, वेख के बड़ा दिल खुश होया। तो ये दसो कि जो तुहाडा घोड़ियां दा शौक है, ये कितने अरसे तो कर रहे हो? ये भाई ज़ुल्फ़िकार, जो घोड़ियां का शौक है, एक तो बड़ा पाक पाकीज़ा और बड़ा साड़ी सकाफत दा, साड़े देश पंजाब दा बहुत पुराना शौक है। जी जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरा तल्लुक, मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा कराँ उतना घट है कि मेरा उस खानदान नाल तल्लुक है कि जिन्हें जो नेज़ाबाजी की बुनियाद रखी गई है इस पंजाब के अंदर अर्ली 50s के अंदर। जी जी। उस टाइम साढ़े लेट 50s और अर्ली 60s के अंदर जे बुजुर्ग जड़े आन मार सरफराज लाली साहब, वो इस शौक का हिस्सा हैं। शाहीन क्लब और नैशनल क्लब जड़े पंजाब के सब तो पुराने क्लब हैं और साढ़े बुजुर्ग मार सरफराज लाली साहब जड़े हैं वो शाहीन क्लब के सब तो पहले प्रेजिडेंट हैं अर्ली 60s के अंदर। तो अलहमदुल्ला असी इस शौक नाल उदों तो मुंसलिक हाँ और अलहमदुल्ला अल्लाह पाक ने मैंने मौका दिता इस शौक का हिस्सा बनने का, और बड़ा पाक पाकीज़ा और बहुत खूबसूरत शौक है। माशाल्लाह, सुनते नबवी भी, बेशक सुनते नबवी है, और घर घोड़ा रखना, पालना, इसकी खिदमत करना बाइस बरकत भी है और बड़ी सादत वाली गल है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिवें इंसानों को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसी तरह जानदार जानवरों के अंदर अल्लाह पाक ने इसनों बड़ा मकाम दिता है जी, और असी तो इसनों पालते हैं अपने इबादत समझ के और इसकी खिदमत करते हैं अपनी इबादत समझ के, इस वास्ते अलहमदुल्ला अल्लाह पाक का बड़ा खास करम और फजल है साढ़े उत्ते। मार साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घोड़े, इन्होंने की कोई नाम रखे जे और इन्होंने की कोई ब्रीड लाई ने? ये जी नुकरा घोड़ा जो पहले नंबर पर खलोता है जी, जो मैं आप बजाना, अच्छा, साडे बड़े मोहतरम और काबिल एहतराम मेजर इकरामुल नबी अवान साहब हैं जी, सरगोदा तो ये उन्होंने मैं गिफ्ट किया जी, और ये मज़र भोजिया ब्लड लाइन है जी, उस घोड़े का बच्चा है। अच्छा, अच्छा। और बड़ा खूबसूरत और अच्छा माशाल्लाह चालबाज और बहुत अच्छा नेदाबाज घोड़ा है, और इसका नाँ जी मेजर साहब होना अताए मौला करीम रखिया ही, और मैं उसे कंटिन्यू किया उसे नाँ नू, और यदा नाँ जरा अताए मौला करीम ही है जी। तो दूसरा घोड़ा जोड़ा है जी, यद ना असा फखरे लालियाँ रखे है, और ये दुआ खाई बछेरा जो मैं लैके आया हूँ इस टाइम मूँह चुचार है और लवा बिहान है माशाल्लाह, और बड़ा खूबसूरत और कदावर है, और ये जड़ा है जी अपना साढ़े बड़े अजीज़ हैं जी, अपना भाई हैं आमिर सुहेल लख साहब, उन्होंने को घोड़ा है आई अपना उन्होंने हूँ सेल किया है, जेडे लैके गए भी ब्रीडिंग के परपज़ वास्ते लैके गए, बड़ी अच्छी ब्लड लाइन है उसकी, और वो मंठार घोड़ा है जी, ये उसका बच्चा है, यदि माँ जी है प्योर बराल ब्लड लाइन तो है, और ये माशाल्लाह हूँ चार है और नेदाबादी दौड़ता पे है। तो तीसरे नंबर पर जो घोड़ा खलोता है जी, ये उन तो मेरे बेटे का घोड़ा है जी माशाल्लाह, लेकिन ये जड़ा जी मैं इधर झंग चू लिया जी काफ़ी साल, उदो सरल बिहान आई जो मेरे को आया ही जहाँ, तो ये अपना एक मशहूर घोड़ा आई डांसर घोड़ा आई शोला जहाँ झंग तो, ये उस घोड़े का बच्चा है जी। और चौथा घोड़ा जड़ा जी इसके वालिद का मैं नहीं अंदाजा, गलत बयान ही ना कर संगया, अपना कोई गुजरात तो कोई घोड़ा आया ही मुश्का पांच कल्याण को ब्रीडर घोड़ा आई, और ये सगोदर एक साडे अजीज हैं हरल हैं, उन्होंने अपने घर दी घोड़ियां ये उन्होंने चू है जी। बड़ी गल जी माशाल्लाह, सारे दे सारे तुहाडे इक तो एक वध सोहणे घोड़े ने माशाल्लाह, अल्लाह ताला माशाल्लाह तुहानू नसीब करे, आमीन। माशाल्लाह जी, ये बच्चा तुसा बड़ा प्यारा सेक्शन बनाया जी। जी जी, ये अपना बछेरे हैं जी दोवें माशाल्लाह, दोवां दी उम्रां लगभग तकरीबन 7 to 8 महीने हैं जी। अच्छा अच्छा। और ये मतलब मैं बड़े प्यारे नो, ये मतलब वो मेरी अपनी घोड़ी आ जी। अच्छा, उसका वो जो मुश्का पांच कल्याण पीछे खलोता है जी। जी जी जी। वो अपना दरबार माणी शरीफ वाले जेडे पीर साहब हैं साढ़े वास नहायत काबिल एहतराम हैं, उन्होंने को घोड़ा है जी, उन्हों की बची है जी इसकी माँ है जी, और सोनी नौल वाला सावा घोड़ा जोड़ा है वो इसका बाप है, और ये नुकरा घोड़ा जोड़ा है जी, ये अपना इसकी माँ जी है अकरम चान वाले घोड़े की बची है, और इसका जोड़ा वालिद है
ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਤਾਜ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਵਛੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਔਰ ਗੋੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਂਟੀਕ ਰੱਖੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਐਸ ਯੂ ਵੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਈ ਅਤੇ ਵਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਟੀਕ ਕਾਰ ਲਵਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਂ ਬਈ ਖਲੂਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਟੋਇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ 97 ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ 1.25 ਲੱਖ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਐਂਟੀਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜੀ ਨਿਸਾਨ ਪੈਟਰਲ ਸਫਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਔਰ ਫੁੱਲ ਆਪਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਹਨ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਐਂਟੀਕ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਡਲ ਇਹ 92 ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਸ ਔਰ ਕੰਫਰਟ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਐਂਟੀਕ ਔਰ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 1996 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਕਰਾਊਨ ਰਾਇਲ ਟੂਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਇਲ ਟੂਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਪਿਲਰਲੈਸ ਡੋਰਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਪਿਲਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਐਂਟੀਕ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 2015 ਦੀ ਕੋਇਟਾ ਕਸਟਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ 2016 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਨ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੋਲਵਾਲਾ ਸਾਦਾਤ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਗੱਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰ ਬਾਈ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਰੋਡ ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 2008 ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ 2013-14 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਡੀ ਹੈ ਐਂਟੀਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀ 7-ਸੀਟਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਪ ਦੀ ਜੀਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਪ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਂਟੀਕ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਰੀਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਾਨਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਫੜੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਮਾਮਾ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓਗੇ ਜੀ ਹੋਰ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਘੋੜੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆਇਆ ਘੋੜੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਤਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣਾ ਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੇ ਬਈ ਚੋਰਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾ ਛੇੜਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਸਵਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ
और मैं समझदा जी कि मतलब मैं आप अलहमदुल्ला जदों अल्लाह पाक ने महीने 5-6 साल हो गए मैं इस शौक नू कीतिया ते मैं आप समझदा परसनली कि जदों तक अल्लाह पाक ने मैनू ये तौफीक दी है घोड़े पालन की अलहमदुल्ला मेरे घर पहले नालों ज़्यादा बरकत और रिस्क दे विच जानो माल हर चीज़ दे विच बरकत होंदी है और बड़ा बाई से बरकत जानवर है और मैं तो आदा जी के खास करके बल्कि तुहाडे प्रोग्राम की मतलब तुहाडे चैनल की विसादत नाल मैं जिहड़ा है ना जी बल्कि वालदैन नूं भी ये रिक्वेस्ट करे सां कि अपनी जिहड़ी आवण वाली नस्ल है उसनूं जिहड़ा है ना इस शौक वाले पासे लैके आओ। मार साहब यह जिहड़े तुसीं माशाअल्लाह घोड़े या जिहड़ा सारा तुहाडा फार्म हाउस तो इस तों इलावा भी कोई जानवर पाल रखे जे? जी जी भाई जुल्फकार अलहमदुल्ला इतने मेरे को सिर्फ जिहड़ा ना जी मेरे अपने सैक्शन के जिहड़े 4 घोड़े हैं वो इतने मौजूद हैं या वो 2 बछेरे जिहड़े हैं वो मैं बड़े प्यारे हैं जी तो वो मैं उत्थे अपने इस वास्ते इतने रखे हुए हैं इन्हां ते ना सैटअप उन्हां दा बनाया है जी अलहदा और बाकी इस तों इलावा अलहमदुल्ला मेरे को 3 वड्डियां घोड़ियां हैं जी 5-6 माशाअल्लाह बछेरियां हैं 5-6 बछेरे भी हैं इस तों इलावा जिहड़े कि असीं हुण अपने जिहड़ा है जी ब्रीड जिहड़ी है जी तैयार करदे पए हां अपने घर दी। बड़ी गल माशाअल्लाह ते अपने जिहड़ियां घोड़ियां कह रहे हो या बछेरे वो विजिट कराओगे जी? जी जी जरूर बिल्कुल तुसी आयो जनाब इतना सफ़र करके आयो मैं बड़ा मशकूर हाँ तुहाडा और इंशाल्लाह मैं तुहानू हुण भी विजिट करवाने हैं जी मेहरबानी जी माशाल्लाह जी ब्रीड ते भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुसी जी। भाई कोशिश यही है जी कि अपना जिहड़ा ना जी अपना घर की ब्रीड जिहड़ी है जिवें मैं अगे भी गुजारिश की है कि हर शौकीन होना चाहिए जी कि अपनी ब्रीड जिहड़ी है ना जी वो तैयार करन और अच्छी ब्लड लाइन जिहड़ी है ना जी अच्छी मादी और अच्छा घोड़ा जिहड़ा है वो दोवें अगर होमन तो वो चु बड़ी माशाल्लाह अच्छी ब्रीड जी तैयार होती है जी बछेरियां ने मैं बड़ी ढूंढ के बड़ी अच्छी अच्छी ब्लड लाइन दियाँ मैं ढूंढ के मैं ले आया और इंशाल्लाह इस साल 1.5 साल तक ये तैयार हैं उस तो बाद अपनी मर्जी के जो घोड़े उस दिन इंशाल्लाह उन्होंने तू इन्हें ब्रीड कर भी सें ये अपना राय फतेह शेर डूडी साहब हैं जी साढ़े बुजुर्ग भी हैं और उन्होंने बेटे जड़े हैं भाई हसन होरी साढ़े बड़े प्यारे भाई हैं और बड़ी माशाल्लाह किसी इस तारुफ के मोहताज नहीं है शौक चो ये उन्होंने को एक नुकरा घोड़ा है जी ये उसकी बच्ची है एक ए मुश्किल जी खलोती है जी ये अमानत जप्पे वाले नुकरे घोड़े की बच्ची है और यह जी खलोती है जी मेरे पिछे है ये माँ जी है चीनी गरड़ी आई और जड़ा है जी इसका ब्लड लाइन जी है अपना शहजादा जोड़ा घोड़ा ही निहंग वाला दारू कुटाला भी मशहूर है ये उसकी ब्लड लाइन चो है जी ये उसकी पोतरी है जी हाँ तो और जी पिछे कुली बिहान खली है जी ये अपना साढ़े दोस्त हैं जी अपना थल तो ये उन्होंने को मैं लैके आया उन्होंने घर की घोड़ियों की आई और बड़ा अच्छा घोड़ा जिद जिसकी बच्ची है माशाल्लाह तो इस वास्ते कोशिश कर रहे हैं जी कि जी है ना अच्छी तो अच्छी ब्रीड जी है वो तैयार करिए। जी बड़ी गल है जी सर टाइम ही देना है इतना इंतजार भी करना ब्रीड तो फिर अच्छी हो जाए बिल्कुल इंजी गल है जी इस उत्ते वेखो ना जी टाइम पैसा हर चीज़ जी है जी इस उत्ते लगती है तो अज मतलब जो मामलात हैं दुनिया बड़ी तेज़ चल रही है तो वो शौक वास्ते टाइम कड़ना जोड़ा जो भी बड़ा मुश्किल होता लेकिन जो तक आप टाइम नहीं कड़ा शौक नहीं आता तो इस वास्ते जोड़ा ना जी मतलब एक समझ लो कि एक फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है अपने वास्ते अपने आने वाली नस्ल वास्ते तो यद उत्ते जोड़ा ना जी बड़ी एफर्ट करते हैं वहाँ जा ये भी जी बछेरी थोड़ी बड़ी नखरे वाली बछेरी है जी। जी हाँ ये बड़ी प्यारी है जी बछेरी और ये मुँह चो अजेंट दुआक है जी और ये माशाल्लाह तकरीबन 8-9 महीने की प्रेगनेंट है यदी ब्लड लाइन जी है जी फखरे मिस्टयाल की पोती है जी और नोबल बॉय की बची है और ये मैं तो जंग तो मेरे एक दोस्त आन जो उन्होंने मैंने बड़ी मतलब परचेज करके दी आई और बड़ी अच्छी माशाल्लाह और अमीर शाह हैं जी अपना जंग तो उन्होंने को एक 6 बार नुकरा घोड़ा खला है ये उस तो ब्रीड हुई हुई है माशाल्लाह 8-9 महीने की प्रेगनेंट है अलहमदुल्ला जी। बड़ी गल है जी बड़ी गल है जी माशाल्लाह जी नाज़रीन मार साहब नाल तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया जिहड़े साडी वीडियो नूं एंड तक वेखदे हो और पसंद करदे हो उस दे नाल नाल नाज़रीन अगर तुहानूं अज दी साडी काविश और मार साहब दा तुहानूं फार्म हाउस इहनां दे घोड़े और इहनां दा सारा सैटअप तुहानूं अच्छा लगता है और साडी वीडियो अच्छी लगती साडी वीडियो नूं लाइक कर देवो और नाज़रीन ने अगर साडी वीडियो विच कोई कमी पेशी महसूस करदे हो ते तुसीं कमेंट करके अपना मशवरा जरूर दिओ तुहाडे आस पास भी कोई इस तरह का कोई फार्म हाउस कोई शौक मौजूद होवे साडा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा साडे नाल राबता करो असीं तुहाडी खिदमत विच भी जरूर हाजिर होवांगे। नाज़रीन ने पंजाबी कल्चर दीआं मजीद वीडियो पसंद करदे हो ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तां कि साडियां सारियां आने वाली वीडियो बआसानी तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। इस दे नाल ही विलेज एरिया टीवी दी टीम कैमरामैन शेख असजद साहब दे नाल मियां ज़ुल्फ़कार नूं दिओ इजाज़त अल्लाह हाफिज़।